हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए दो अलग अलग डीआई करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली यही लेवल आपका प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में रहता है, तो आप बिल्कुल घबराना मत। और आपको अपने टाइम को रिड्यूस करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस मॉक के लाइव टेस्ट में से लिए हैं, और इनके वीकली लाइव टेस्ट आते रहते हैं। अगर आपको इनके और भी क्वेश्चंस बनाने हैं तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप कुछ फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बार ग्राफ डीआई के बारे में। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें कहा गया है, इन केरला कैटल डेथ नॉर्मल और एक्सीडेंटल वर रिपोर्टेड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर एक बाप को बार ग्राफ दिया गया है, और जिसमें केरला में 5 अलग अलग महीने में जो कैटल हैं इनकी जो डेथ है इसका आपको ब्यौरा दिया गया है। इसमें क्या है कि नॉर्मल और एक्सीडेंटल, मतलब कि सामान्य मौत और आकस्मिक मौत, ये दर्ज की गई है। तो आपको इसमें देखना है कि जो दिए गए महीनों में कैटल की आकस्मिक मृत्यु की संख्या और सामान्य मौतों का जो है प्रतिशत दिखाया गया है। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो एक ब्लू कलर वाला है ये दिखाता है नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा आपका दिखाता है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डेथ। ओके, अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा आप यहां पर समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हमें जनवरी में दिया गया है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ जो है, आपको मैं एक केवल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जनवरी का, ये है नॉर्मल डेथ, नॉर्मल डेथ, और एक है आपका एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, तो यहां पर हमें नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में एक्सीडेंटल डेथ की वैल्यू नोन है, मतलब ये वैल्यू आपको दी गई है, और जो एक्सीडेंटल डेथ की वैल्यू है वो कितनी है, 588। आपको दिया गया कि नॉर्मल डेथ का परसेंटेज दिया गया है 40%। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर टोटल निकालना हो, टोटल का मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल डेथ होंगी प्लस एक्सीडेंटल डेथ होंगी, यही तो होंगी। अब यहाँ पर आप ये देख लें कि जब 40% आपको नॉर्मल डेथ दी गई हैं, तो इसका मतलब जो 60% होगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू 588 दी गई है, ये आपकी 60% के बराबर होगी, और आप 100% निकाल देंगे तो आपका टोटल पता चल जाएगा। वैसे शॉर्ट मेथड यही है टोटल निकालने का, कि आपको जो वैल्यू दी गई है एक्सीडेंटल डेथ की वो कितनी दी गई, 588, और हमें ये पता है कि 40% जब नॉर्मल डेथ है तो 60% ये हो जाएगा। आप इसी से इसको डिवाइड कर दो, 60% दैट मीन्स कितना होता है, ये आपका होता है 0.6। तो इस फॉर्मेट में आप लिख दो, तो दशमलव से बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे, कितने बार जाएगा, 6 से जाएगा ये 9 बार, 54, 4, 48, 8 बार, 980। ये टोटल आपको संख्या मिल गई कि टोटल नंबर ऑफ कैटल कितनी डेथ हो रही है जनवरी मंथ में, तो जिसमें 588 जो है वो आपकी एक्सीडेंटल है, तो रिमेनिंग कितनी होंगी, दैट मीन्स कि जो नॉर्मल वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 980 में से 588 को आप माइनस कर दोगे, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 392। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल डेथ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो, आपको पता है कि 980 मेरा टोटल आ गया है, 40% जो है जनवरी में नॉर्मल डेथ होंगी, तो आप 40% 980 का निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 98 × 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 × 8 = 32, 36 × 3 = 39, 392। तो ये भी इसी फॉर्मेट में निकल कर आएगा। अब देखो फटाफट करने का तरीका क्या है, आपको पहला टारगेट क्या है कि टोटल निकालना। मैंने यहाँ पर टोटल बता दिया जनवरी का, फेब का कैसे निकालोगे, यहाँ पर 336 ये दिया गया एक्सीडेंटल, तो 60% अगर आपकी नॉर्मल डेथ यहाँ पर शो कराई गई है तो ऑब्वियसली 40% होगी, तो 40% को 0.40 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, 4 से कितने बार आएगा, 8 बार, 4 से 4 बार, ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 840। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में सारी वैल्यूज को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक टेबल बना लेना, उसमें आप लिख लेना कि आपकी नॉर्मल जो डेथ है उसका कितना आपने यहाँ पर शो किया है, और एक्सीडेंटल डेथ कितनी है, और टोटल कितनी है। ठीक है, तो इसी सारे डेटा के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में दिखा दे रहा हूँ सारी कैलकुलेशन, जैसे अभी मैंने पहली की उस तरीके से आप बाकी की भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कैटल डेथ इन जनवरी, तो जनवरी में जो नॉर्मल कैटल डेथ है वो कितनी है, 392 है, जो अभी हमने टेबल से निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉर्मल कैटल डेथ इन जनवरी टू द फेबरी, तो जैन और फेब का रेशियो निकालना है आपको नॉर्मल कैटल डेथ का, तो नॉर्मल कितनी है, 392, ये 504, तो ये हो जाएगा 392 × 504। ये आप सेल्फ करो और बताओ मुझे कितना रेशियो आपका निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ओके, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 3 को,
इसमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैटल डेथ इन अप्रैल इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस इन सेम इन मई। तो मतलब आपसे कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है अप्रैल में, तो पहले आप अप्रैल में देख लो टोटल डेथ कितनी होती है। ये कितनी हो रही है यहां पर, ये आपकी होती है 1000। ठीक है, हमसे कहा गया नहीं टोटल के ऊपर काम करना है, सॉरी। तो ये आप हटा दो, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी है, 1250 है। ठीक है, फिर कह रहा हाउ मच परसेंट लेस और मोर इन मई। मई का टोटल कितना दिया गया है, मई का टोटल आपको दिया गया है 800। मई का टोटल कितना है, 800। आप देखो 1250 जो है वो 800 से कम है या ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है तो ये मोर आएगा। और कितना मोर है, ये है 450 मोर है, किस वैल्यू से, 800 से इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, दो जीरो आपके ऐसे ही खत्म हो गए, 8 से इसको काट दो, कितने बार जाएगा, 8 से 5 बार 40 हुआ, 50 हुआ, 8 से 6 बार गया 48, दो बचा 20 हुआ, 8 से 2 बार 16, 8 से 5 बार 40, 56.25% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया हो तो टेबल से डेटा जल्दी निकल जाता है। ओके, टेबल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नॉर्मल डेथ इन मार्च टू द सेम इन मई। तो मतलब ये तो इजी है यार, आप नॉर्मल वाले में कंपेयर करोगे किस किस का, मार्च और मई का डिफरेंस निकाल दो, ये मार्च वाला आएगा और मई वाला ये आएगा, तो 288 और 416 है, इनका डिफरेंस निकालो और नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉर्मल कैटल डेथ इन जून इज 44.5% मोर देन द सेम इन अप्रैल। आपको पता है कि मई तक का डेटा दिया है, जून एक महीने आगे खिसक गया, तो जून वाली वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अप्रैल के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये कह रहा है कि जो जून में नंबर ऑफ नॉर्मल कैटल डेथ है वो कितनी है, वो है 44.5% मोर देन। ओके, तो आप ये ध्यान रखें कि ये कितनी हो जाएंगी, 144.5% हो जाएगी ये वैल्यू। अब अगर आप इसको सीधा आप डेसिमल हटाकर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 144.5/100, ये परसेंटेज हुआ, दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, आपको केवल यही रखना है 144, ये 1445/1000। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि हमने इस फॉर्मेट में फ्रैक्शन निकाल लिया, इसको फर्दर अभी सॉल्व मत करो। ये कहा जा रहा है कि किससे, अप्रैल से। अब आप देखो अप्रैल में कितनी है, अप्रैल में नॉर्मल की वैल्यू 1000 है, तो जब नॉर्मल की वैल्यू 1000 है तो 1000 कट गया, वैल्यू कितनी बटी, 1445 आपकी बच गई। तो आपको पता लगा कि जो नॉर्मल कैटल डेथ है जून में वो कितनी है, 1445 है। एक चीज और कहा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेथ, आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी होगी अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंटल कैटल डेथ इन जून कितनी है, 1155 है। आपको 1155 एक्सीडेंटल दे दी गई है, नॉर्मल अभी आपने कैलकुलेट किए, टोटल निकालने के लिए दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 1445+1155 कितना हो गया, 14, 11, 2500, 45, 55, 100, तो ये हो गया कितना, 2600। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन निकल जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन आपकी नहीं है। एक और यहाँ पर हम करते हैं लाइन ग्राफ। देखो क्या होता है कि प्रीलिम्स में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको अपने कॉन्फिडेंस और अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आप वहाँ पर पूरे पूरे नंबर लाना चाहिए आपको। ठीक है, 10 नंबर की DI है यहाँ पर, तो 10 नंबर में 200 आपको करने चाहिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर साड़ी सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर्स। मतलब राजन, रजत, पंकज, प्रतीक और विशाल, ये 5 लोग हैं जो कि साड़ियों का कारोबार करते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ रेड साड़ी सोल्ड होती हैं और नंबर ऑफ ग्रीन साड़ी इनके द्वारा सोल्ड की जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, लिखा है टोटल नंबर ऑफ साड़ी, टोटल साड़ी में दोनों साड़ी को ऐड कर देना, रेड और ग्रीन को। ठीक है, तो टोटल अगर आपसे निकालने को बोला जाए, तो देखो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा को एनालाइज करना, कि मतलब ये जो लाइनें बनी हैं, इस डेटा को कैसे निकालोगे। पहले मैं आपको जूम करके थोड़ा सा ग्राफ दिखा दे रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। तो इस ग्राफ को हमें रीड कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर जो राजन है, इसमें जो रेड साड़ी है वो ब्लू कलर से दिखाई गई है, और जो ग्रीन है इनको रेड से दिखाया गया है। तो अगर मैं यहां पर देखूं राजन में नंबर ऑफ रेड साड़ी, जो ब्लू वाली लाइन है, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 300 यहां पर आ रहा है, 300 वाला पॉइंट ये है, तो ये 310 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 310, 320, 330, 340 और 350, ये लाइन यहां पर आई, तो ये डेटा आ जाएगा 350। केवल आपको यही कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये पूरा पूरा दिया है 400,
ठीक है, ये कितना आ गया 350 आ गया। अब आप यहाँ पर देख लो, तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जाओगे, अब आप नीचे से माइनस कर देना, ये 200 है, इसमें से एक और दो माइनस कर दोगे 180 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो डेटा है पंकज का रेड साड़ी में, ये पूरा पूरा 300 दिया गया है। और इस वाले डेटा को कैसे रीड करना है, अब आप ये देख लो कि यहाँ पर हमारा 200 आ रहा है, फिर 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 240। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको सारा डेटा नोट करना है। एक टेबल बना लो बेटर होगा, जिसमें राजन की रेड साड़ी लिख लो, राजन की ग्रीन लिख लो, और टोटल इन दोनों को काउंट करके 400, 350, 750, ये टोटल आ गया रेड प्लस ग्रीन का। ठीक है, तो टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप इस फॉर्मेट में टेबल अपनी बनाएंगे। आप क्वेश्चन बिल्कुल हलवा देखते ही बन जाएंगे। पूछा है राजन और रजत द्वारा बेची गई साड़ी की कुल संख्या का अनुपात बताओ। कुल संख्या दैट मीन्स कि टोटल नंबर के ऊपर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। पहला पर्सन है राजन, दूसरा है रजत, तो ये कितना है 750 और ये कितना है 600, तो कितना निकालना है 750 और 600 का आपको रेशियो निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो इस लाइन ग्राफ का। ठीक है, बताओ नीचे कितना आ रहा है। सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय पंकज इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस इन सेम सोल्ड बाय विशाल। तो विशाल की कितनी यहां पर टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड होती है 720, पंकज के द्वारा कितनी होती हैं 540। अब आप ये देखो कि ये जो 540 है 720 से छोटा है बड़ा है, ऑब्वियसली कम है, कितना लेस हो रहा है 180 कम है, किस वैल्यू से 720 से, परसेंटेज इंटू 100, तो ये पूरा पूरा 4 बार जाएगा, 18 × 4 = 72 होता है ना, 4 बार गया 4 से 25 बार जाएगा, तो 25% आपका आ जाएगा लेस। ठीक है, इसको देखो क्या कह रहा है कि राजन पंकज और विशाल द्वारा बेची गई रेड साड़ी जो है इनकी औसत संख्या निकाल दो। ठीक है, तो मतलब राजन पंकज और विशाल, राजन पंकज और विशाल, ठीक है, इनके द्वारा जो रेड साड़ी है, रेड साड़ी यही है, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो 350 प्लस 300 प्लस 460, इनको जोड़ लो, तो 4, 3, 7, 3, 10 और 6, 5, 11, 110, तो ये कितना आ गया 1110। एवरेज निकालना है, 3 पर्सन है, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3 से 3 बार 9 हुआ, 2 बचा 21 हुआ, 7 बार 0, 370 आपका आंसर आ गया। तो ये भी ओरल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। इसको देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय प्रतीक एंड नंबर ऑफ ग्रीन साड़ी सोल्ड बाय रजत एंड प्रतीक टुगेदर। आपसे यहाँ पर एक बात कही जा रही है, वो ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय प्रतीक एंड नंबर ऑफ ग्रीन साड़ी सोल्ड बाय रजत एंड प्रतीक टुगेदर। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्रतीक है इसका आपको टोटल पिक करना है, तो जो प्रतीक है इसका टोटल कितना दिया है 640 आपको पिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये पर्सन है रजत और प्रतीक, इनकी ग्रीन साड़ियाँ केवल लेनी है। ठीक है, रजत और आप जो प्रतीक दूसरा पर्सन है, तो ये कितना है 420 प्लस 440, ठीक है, ये हो गया 860। आपसे पूछा क्या, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बता दो कितना आ जाएगा, ये 860 है, ये 640 है, पूरा पूरा कितना 220 आ जाएगा, राइट आंसर हो गया आपका। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन साड़ी सोल्ड बाय राजीव इज 52% मोर एंड 60% मोर देन द सेम सोल्ड बाय प्रतीक एंड राजन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय राजीव। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। इस पूरी लिस्ट में राजीव नाम का कोई पर्सन नहीं है, लेकिन यहां पर राजीव का डेटा दो डेटा के ऊपर डिपेंड है। ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ रेड और ग्रीन साड़ी वो क्रमशः 52% मोर देन है और 60% मोर देन है, तो आप ये बताओ कि जो रेड है वो कितनी मोर देन है, 52% मोर देन, मतलब 152% हो जाएगा, 152 को 1.52 लिखोगे, ये 60% मोर देन है तो 160%, दैट मीन्स कि जो ग्रीन वाली साड़ी है वो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1.6, 160% को इस फॉर्मेट में डेसिमल में आप लिख लोगे। किस किस से, प्रतीक और राजन से क्रमशः, तो प्रतीक वाली वैल्यू ऊपर आएगी, प्रतीक का रेड बताओ कितना है, प्रतीक ये पर्सन है, इसका रेड है 200 और जो राजन है इसका ग्रीन कितना है 400, ये राजन का ग्रीन आ जाएगा यहाँ पर। अब इनकी वैल्यू निकाल करके बस सिंपल जोड़ना है, तो 1.52 की 200 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 202 डेसिमल वाले खत्म हो जाएंगे, 152 × 2 कितना आ गया 304 आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे 1.6 है, ये कितना है 400 है, तो एक डेसिमल से आपका ये वाला जीरो खत्म हो गया, 16 × 4 = 64, 640 आपका आ गया, इन दोनों को जोड़ दो 600, 300, 900, 944, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में केवल केवल डेटा को ही प्लस माइनस करना था, नथिंग एल्स। ओके,
तो गाइज आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सुझाव जरूर दें। आने वाले टाइम पे और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं, तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें ताकि हम उसको पूरी सीरीज के माध्यम से आपको खत्म करा पाएं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मॉक पर मिलेंगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया, आप जाकर और भी सॉल्व करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।